अभी हम जलेश्वर पहुंचने वाले हैं, शायद हम चंदेश्वर पहुंच चुके हैं। वेलकम टू वेस्ट बंगाल। तो हम न्यू दीघा के अंदर एंटर हो चुके हैं। सर ओल्ड दीघा सीधा है ना? बस यहाँ बाइक पार्क करने के लिए जगह मिल जाए वही बस होगा, क्योंकि इस दिल्ली में जगह नहीं मिलता है बाइक पार्किंग के लिए। फिर किसी दुकान के आगे लगा के जाना पड़ेगा, पता नहीं। हम गाड़ी पार्किंग में लगा दिया। एक बार बस क्राउड देखो यहाँ पे कितने लग रहा है, कोविड चल रहा है अभी। हम बस इतने ही पानी में आए हैं, पानी बहुत मैला हो चुका है और क्राउडेड भी बहुत है तक अंदर, इसीलिए और अंदर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अभी टाइम पास चल रहा है सभी का। ये खा रहे फिंगर। किसका फिंगर? पीछे समंदर। पैसा वसूल है। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और थोड़ा खाना खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे बारीपता के लिए। सब मिलते हैं आपको सीधा बाइक के ऊपर। चाबी कहाँ है भाई? ये रहा चाबी। और निकल रहे हैं अभी हम बीच से और अभी हमें किसी अच्छे से होटल का तलाश है जहाँ पे लंच कर पाए। और यहाँ पे बालू में टायर घुस जा रहा है, देखो समंदर का रेत है ना। तो बिरयानी करने का मूड बन चुका है और यहाँ पे हमें दिख चुका है गरम गरम बिरयानी उतरते हुए चूल्हे से। तो पूछ लेते हैं यहाँ पे मिलेगा या नहीं। तो ये रहा होटल, अंदर चलते हैं। कैसा था टेस्ट भाई? बढ़िया था, एकदम मस्त। तुझे कैसा लगा? मैंने को पूछा ही मन है, बहुत अच्छा लगा। आपको? मैं देख तो रहे हो प्लेट पूरा खाली हो गया। मतलब ठीक है, कैसा लगा? सही है, सही है।
आपका लॉजिक एकदम सही है। तो खाना एकदम टेस्टी था और मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप आ रहे हो दीघा तो यहाँ पे ज़रूर बिरयानी टेस्ट करना, हाजी बिरयानी। और अभी हम निकल रहे हैं, थोड़ा घूमेंगे और फिर निकल जाएंगे बारीपदा के लिए। ये वाला वास्ट आवर बंद था लेकिन हम रस्सी कूद के आ गए इस तरफ, यहाँ से नज़ारा देखो, वाव। इस तरफ पूरा ओल्ड दिखा और इस तरफ देखोगे तो ये रहा एकदम न्यू दिखा, वाव। और ये सामने समंदर, सो अभी टाइम हो रहा है 4:08 और हम निकल चुके हैं घर के लिए। अभी सीधा हमें जाकर रुकना है बारीपदा में और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा पर कुछ दिखाई भी नहीं देगा। सो आपको अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है रोड पे आपको दिखाता हूँ, नहीं तो सीधा आपको मिलता हूँ मैं घर जाके। सो ये सामने रहा चंदनेश्वर और चंदनेश्वर को स्किप करेंगे, सीधा निकल जाएंगे टुवर्ड जोलेश्वर। अरे भाई रोड के बीच अब जाम लग चुका है, देखो कैसे घसीट घसीट के जाना पड़ रहा है हमें। इस सड़क पे यह वाला ट्रक ब्रेकडाउन हो गया इसीलिए यहाँ पे इतना जाम है। देखो यहाँ पे डाइवर्जन भी है ना, मेन वाला पुल टूटा हुआ है अंदर और इसी वजह से यहाँ पे इतना जाम लग गया था। हम अभी अमरदा रेलवे स्टेशन के पास फिर से पहुँच चुके हैं, जैसे तैसे कैसे करके हम पहुँच चुके हैं चित्रोड़ा। हाथ एकदम बर्फ हो चुका है, अभी थोड़ा लाइट दिखा इसीलिए वीडियो स्टार्ट किया। अरे हाथ बर्फ हो चुका है, सो मिलता हूँ आगे। सो अभी टाइम हो रहा है शाम का 8:31 और हम बारीपदा के अंदर एंटर हो चुके हैं। सामने पलोनी का ओवरब्रिज और नीचे से हम गुजरते हुए और गाड़ी आज लगभग 250 किलोमीटर चल चुका है। सो भाइयों को यहीं पर सीअप कर दिया और मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। आज का सफ़र यही तक था। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नीचे अच्छा सा कमेंट करना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो मैं मिलता हूँ किसी अगले राइड पे, टिल देन राइड सेफ, ऑलवेज वेयर योर हेलमेट, ठीक है। सेफ राइड, सेव योर लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।